बुलेटिन के प्रायोजक हैं एसएमबी प्लाजा, उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ। साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। धर्म परिवर्तन मामले ने लिया नया मोड़, पत्नी ने पति को बताया शराबी, दुष्कर्मी और दुराचारी, बोला धर्म परिवर्तन के नाम पर मुझे बदनाम करने की साजिश, एयरगन नहीं पिस्टल से किए थे फायर, दो आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा में दर्दनाक हादसा, चार्जिंग में लगाते ही मोबाइल में हुआ ब्लास्ट, युवक की मौके पर ही मौत। और लोकसभा चुनाव के लिए शुरू हुआ कर्मचारियों के प्रशिक्षण का दौर, 8000 से ज्यादा कर्मचारी लेंगे प्रशिक्षण। उदयपुर शहर की घंटाघर थाना क्षेत्र की एक खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। घंटाघर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा धर्म परिवर्तन के मामले ने आज उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब आरोपी पत्नी ने एसपी के सामने पेश होकर मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी। महिला ने उसके पति पर वैवाहिक संबंधों में जबरदस्ती करने, पुरुष के शराबी होने, दुराचारी होने और दुष्कर्मी होने के संगीन आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि वह 7 दिन से पुलिस थानों के चक्कर लगा रही है मगर उसे न्याय नहीं मिल रहा है। उसकी बेटी को जबरन बंधक बना लिया गया है और बेटे को स्कूल से साथ लेकर आने पर अपहरण का झूठा मुकदमा कर दिया गया है। महिला ने कहा कि किसी एक किताब को पढ़ने से कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता, कई लोग अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं, तो ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि उन्होंने उस धर्म को ही अपना लिया है। उसने अपनी सास ननंद पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही इस महिला के पति ने बच्चों के साथ एसपी के पास पहुंचकर बताया था कि उसकी पत्नी ने धर्म बदल दिया है, अब वह हम पर भी धर्म बदलने का दबाव बना रही है। हमने पूजा पाठ की तो वह घर छोड़कर चली गई। पति की शिकायत के बाद रविवार को थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। पति का कहना है कि उनकी पत्नी कुछ समय से विशेष धर्म की किताबें पढ़ने के साथ ही उसी धर्म के धार्मिक स्थल जाने लगी है। वह बेटे और बेटी को भी लगातार अन्य धर्म अपनाने का दबाव डालती है। ये मेरे पति ने जो मेरे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए कि धर्म परिवर्तन का, ऐसे मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, बस झूठे आरोप लगा रहा है मेरे पास ऊपर और कुछ नहीं है, सब झूठी बातें फैला रहा है मेरे ऊपर, बस वो सब झूठी बातें है, कुछ नहीं है, सब झूठी बातें फैला रहा है। मेरे साथ 19 तारीख को मेरे साथ ये गलत काम हुआ, उसके बाद से ही मैं ये 19 तारीख से 6 दिन से यहाँ घूम रही हूँ और इस केस को दबाने के लिए मेरे साथ ये झूठी गफाई फैला दी भाई ये तो धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कैसे, क्या एक किताब पढ़ने से धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? आप बताओ, क्या हिंदू धर्म के लोग या दरगाह में जा रहे हो तो इसका मतलब वो मुस्लिम हो गए क्या? बताओ, ये सब झूठी बात है, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, क्योंकि अब इसको दूसरी औरतों से चक्कर, इसलिए अब वो मुझे छोड़ने के लिए एक मुद्दा मिल गया, भाई इसको कैसे भी करके बदनाम करके छोड़ना है बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी ये सब जगह, हर जगह न्यूज़ पर, चैनल पर, सब जगह मुझे बदनाम करा और कुछ भी नहीं है। इसके साथ में मिले हुए मेरी सास, मेरी ननंद और मेरे ससुर जी, ये सब मिले हुए हैं। मेरी बेटी को भी डरा धमका के उसको डरा रखा है, बाकी उसको बयान देना आता ही नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि ये जो भी मुझे बदनाम, इसकी अच्छे से छानबीन करो और मेरे ऊपर जो भी झूठे आरोप लगाए उसकी मुझे न्याय दिलाया जाए बस, और जो झूठे आरोप लगे उसको साबित करके बताओ बस। यही कि भाई मैंने धर्म परिवर्तन, क्या एक किताब पढ़ने से धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? एसपी साहब के पास पेश हो गई आज 20 तारीख को मैंने एसपी के पास ये रिपोर्ट दी है, मेरे साथ जो दुष्कर्म किया उस इंसान ने, बहुत ही जानवर के चरह से, उसका कोई अभी तक कोई मुझे कहीं से भी कुछ भी नहीं मिला है, ना मेरा कोई मेडिकल हुआ अभी तक, ना कुछ, और बस ये इस केस को दबाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मुझे बदनाम करने के लिए अब ये धर्म परिवर्तन का बीच में से ये झूठी गफाएं फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। थाने में है, मामला दर्ज करवा दिया, डीपी साहब के भी पेश हो गई। मेरा बच्चा रो रहा था, मैं 2 दिन से रो रहा है, मम्मी मेरे को पुकारा रहा आपकी याद आ रही, तो मैंने स्कूल में भी इसके लिए मना कर दिया कि इसको स्कूल में नहीं मत भेजना, उसकी माँ है तो मिलने मत देना, बच्चा स्कूल से बाहर आया मैंने इसको वहाँ से मेरे पास ले लिया, तो उसका भी मेरे ऊपर अपहरण का केस दर्ज कर दिया कि भाई अपहरण कर लिया इसने। क्या एक माँ बेटे का अपहरण कर सकती है क्या? मेरा बच्चा है, मैं नहीं ले जाऊँगी क्या? आप बताओ, ये और कुछ नहीं, सब झूठी अफवाहें फैला रहा है ये आदमी, और कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा ये पास में खड़ा, आप चाहे तो इससे पूछ सकते हो आप।
वल्लभनगर थाना पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया है जिसमें पिस्टल से फायर करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, एयरगन और स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है। थानाधिकारी दीपिका राठौर ने बताया कि 11 फरवरी को वल्लभनगर के बड़गांव पुरोहितान के पास ललित डांगी पर फायर करने के मामले में आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने पिस्टल से फायर किए थे। स्कॉर्पियो देवीलाल डांगी चला रहा था और विपिन गोस्वामी ने पिस्टल से फायर किए। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस डिप्टी रविंद्र प्रताप सिंह राठौड़ के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने एयरगन से फायर किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ में बताया कि फायर असली गन से किए गए थे। आपको बता दें कि ललित पुत्र दलीचंद डांगी निवासी डांगी खेड़ा ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि 11 फरवरी को दिन में 12 बजे वह श्यामलाल डांगी बाइक से इटाली से डांगी खेड़ा जा रहे थे। बड़गांव कांटे से बड़गांव पुरोहितान की तरफ घूमे ही थे कि तभी बाइक के आगे विपिन गोस्वामी पुत्र मांगू गोस्वामी निवासी बड़गांव पुरोहितान व एक अन्य युवक ने स्कॉर्पियो गाड़ी लगाकर रास्ता रोक दिया। उतरते ही विपिन ने गाड़ी के अंदर से सरिया निकालकर मारने का प्रयास किया। पीड़ित खेतों में भागे तो दो राउंड फायर कर दिए। बड़ी मुश्किल से खेतों में छिपकर अपनी जान बचाई। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जश्न की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की। वाइब्स है ये है अपनों की, सिटी वाइब्स है ये। आइए बांसवाड़ा की तरफ चलते हैं। बांसवाड़ा में एक दर्दनाक हादसे में युवक की जान चली गई है। बताया जा रहा है युवक ने जैसे ही मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग ऑन किया, धमाके के साथ मोबाइल फट गया और बिजली का बोर्ड युवक के सीधे सीने में जा घुसा। उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। बांसवाड़ा शहर से 12 किलोमीटर दूर मलवास गांव में 44 वर्षीय जगमाल की फोन चार्ज करते समय मौत हो गई। जगमाल के भांजे मोतीलाल ने बताया कि जगमाल स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे थे। उस वक्त उनके पिता कांजी, मां पत्नी कम्मो और दो बेटे घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। जगमाल कमरे में मोबाइल को चार्जिंग में लगाने के लिए पहुंचे, तभी मोबाइल को चार्ज में लगाते ही जोरदार ब्लास्ट हुआ। तेज आवाज सुनकर परिजन और वह दौड़कर अंदर गए तो देखा कि कमरे में मोबाइल के टुकड़े बिखरे हुए थे। जगमाल फर्श पर अचेत पड़ा था। उसके सीने पर बिजली का बोर्ड पड़ा था। उसने बोर्ड को लात मारकर दूर किया, बाहर जाकर बिजली के कनेक्शन का तार हटा दिया। परिजन अस्पताल लेकर गए मगर वहां पर जगमाल को मृत घोषित कर दिया गया। जगमाल पिता कांजी के साथ मजदूरी कर परिवार के पालन पोषण में मदद करता था। जगमाल की बेटी की शादी हो चुकी है। घर में 15 और 16 साल के दो बेटे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल, राडाजी चौराया। आइए राजनीति से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चित्तौड़गढ़ में लोकसभा आम चुनाव के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। सोमवार को पीठासीन और मतदान अधिकारियों का 5 दिवसीय प्रथम प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें 8,000 से अधिक कार्मिकों को लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर जब हालात देखे गए तो पता चला कि प्रशिक्षण के दौरान कई कार्मिक इस प्रशिक्षण के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दिए। प्रशिक्षण के दौरान कार्मिक बाहर घूमते हुए दिखाई दिए। इस पर प्रशिक्षण सहायक प्रभारी दिनेश चंद्र शर्मा, डीएलएमटी कनक जैन और ओम प्रकाश पालीवाल ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए बाहर घूम रहे कार्मिकों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी। प्रशिक्षण के सहायक प्रभारी दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 5 दिन तक यह प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें 8,000 से अधिक कार्मिक लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। पहले दिन सोमवार को करीब 1600 कार्मिकों ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन 1 मार्च को महिला कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। आज से लोकसभा आम चुनाव 2024 के
सभी मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुके हैं एवं आज हमारे यहाँ टोटल 8,000 आदमी 5 दिवस में प्रशिक्षण लेंगे। ये सभी मतदान अधिकारियों को ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी जा रही है एवं सभी मतदान अधिकारियों को क्या क्या कर्तव्य है क्या नहीं है वो सब उसके बारे में बताया जा रहा है। रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल होमली एनवायरमेंट इंडिविजुअल अटेंशन स्टूडेंट फ्रेंडली लाइब्रेरी air conditioned pre primary classrooms digital classrooms huge space for indoor and outdoor games jain society grants 50% scholarship for jain students cctv surveillance by management affordable and safe conveyance facility available rasik lal m dhariwal public school chitrakoot nagar bhuwana udaipur। कुछ समय पहले नगर निगम ने शक्ति नगर में निगम के पीछे से रास्ता खोलने की तैयारी के तहत मकानों पर निशान लगाए थे। कल उसमें से 60 साल पुराने एक मकान को भारी विरोध के बीच गिरा दिया गया। अब निगम आसपास के अन्य मकानों को भी गिराकर जल्द ही इस रास्ते को साफ करने वाली है। बोटल नेक खोलने के लिए निगम के दस्ते ने अलसुबह कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले 60 साल पुराने एक मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। निगम की टीम ने पुलिस के सहयोग से सुबह जैसे ही कार्रवाई शुरू की तो क्षेत्रवासी विरोध पर उतर आए। उन्होंने टीम की इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया व कहा कि बातचीत के जितने दौर होने थे वे नहीं हुए हैं व मुआवजा भी नहीं दिया गया है। लेकिन निगम का बुलडोजर नहीं रुका, निगम ने पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि बोटलनेक के दायरे में अब करीब 6 से 7 मकान आ रहे हैं। बोटलनेक को पूरी तरह खोलने के लिए इन सभी मकानों को हटाया जा सकता है। इसके बाद शक्तिनगर से सीधे शास्त्री सर्कल के रास्ते से वैकल्पिक मार्ग से निकला जा सकेगा। इस रास्ते के खुलने से ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार आएगा, डेलीगेट पर जाम से मुक्ति मिलेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। धर्म परिवर्तन मामले ने लिया नया मोड़, पत्नी ने पति को बताया शराबी, दुष्कर्मी और दुराचारी, बोला धर्म परिवर्तन के नाम पर मुझे बदनाम करने की साजिश, एयरगन नहीं पिस्टल से किए थे फायर, 2 आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा में दर्दनाक हादसा, चार्जिंग में लगाते ही मोबाइल में हुआ ब्लास्ट, युवक की मौके पर ही मौत। और लोकसभा चुनाव के लिए शुरू हुआ कर्मचारियों के प्रशिक्षण का दौर, 8,000 से ज्यादा कर्मचारी लेंगे प्रशिक्षण। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए News 91 के साथ। नमस्कार, ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं News 91 आवाज हम सबकी।